हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी डिलाइट्स फॉर फूडीज। आज मैं आप सबसे एक हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडिया शेयर करूंगी। आज मैं ओट्स पराठा बनाऊंगी, जिसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊंगी। तो एक बार फ्रेंड्स इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताना जरूर। इसके लिए सबसे पहले 1.5 ग्लास ओट्स लेने हैं, और कोशिश करना रोल्ड ओट्स लेने की, क्योंकि रोल्ड ओट्स थोड़ा सा रफ होता है तो पराठा बनाने में आसानी रहती है। अगर आपके पास ना हो तो नॉर्मल जो क्लासिक ओट्स होता है उससे भी काम चल सकता है। फिर इसमें कुछ चीज़ें ऐड करना है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज ग्रेट करके, 2 से 3 बारीक कट करके हरी मिर्च, 1 इंच अदरक को ग्रेट करके, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता और 1 टमाटर ग्रेट करके ऐड कर दिए हैं। फिर इसमें जाएगा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और नमक ऐड करने के बाद इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएगा, सरसों का तेल। और सरसों का तेल मस्ट 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 ऐड करना। जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं उन्हें तो सरसों के तेल का फ्लेवर बहुत ही पसंद होता है, और इस पराठा में सरसों के तेल का बहुत ही ऑसम फ्लेवर आता है। लेकिन मेरे जिन फ्रेंड्स को सरसों तेल का फ्लेवर पसंद ना हो तो वो ऑलिव ऑयल या रिफाइंड ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिए हैं। और सरसों का तेल ऐड करने के बाद 1 नींबू का जूस ऐड करना है। खटास आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर नींबू का साइज छोटा हो तो आप बड़ा ले सकते हैं, अपने हिसाब से खटास को बैलेंस कर सकते हैं। और फिर इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रेट करके प्याज लिया है, ग्रेट करके टमाटर लिया है, सरसों का तेल ऐड किया है, तो इन सभी चीज़ में मॉइस्चर है, और इतना मॉइस्चर काफ़ी होगा ओट्स को सॉफ्ट करने के लिए। फिर भी अगर आप सबको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से दबा दबा के सभी चीज़ों को ओट्स में मिक्स करना है। सभी चीज़ों को ओट्स में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर इसको आधे घंटे के लिए साइड में रख देना है, ताकि जितना भी मॉइस्चर है ओट्स अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले और मिक्सचर पराठा बनाने के लिए तैयार हो जाए। तो ये देखिए, सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने जो ओट्स का फिलिंग बनाया था उसको रेस्ट पे रख दिया था, और ये देखिए सारा पानी जितना भी मॉइस्चर था उसको एब्जॉर्ब कर लिया है और पराठा बनाने के लिए फिलिंग तैयार है। तो इसके छोटे छोटे बॉल्स में तैयार कर लूँगी। जिस साइज का पराठा बनाना है उसी साइज का बॉल्स तैयार कर लेना है। आप चाहें तो उसी टाइम भी पराठा में स्टफ करके बना सकते हैं, मुझे इस तरह से आसानी होती है। तो पहले मैं सारे बॉल्स बना लेती हूँ और फिर पराठा तैयार करती हूँ। और ये मैंने नॉर्मल जो पराठे का या रोटी का आटा होता है वो तैयार कर लिया है। अब स्टफिंग को भर के और पराठा तैयार कर लेना है। ये पराठा बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये देखिए, इस तरह से स्टफ कर लेना है, और जैसे हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं उसी तरह से पराठा बना के सेक लेना है। आप चाहे तो घी में सेक सकते हैं, बटर में सेक सकते हैं, या विदाउट ऑयल भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी पराठा की रेसिपी है। मैंने इसे ऑलिव ऑयल में सेका था। इस पराठे के साथ कोई भी दाल सब्जी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये पराठा दही के साथ खाने में बहुत ही ऑसम लगता है। दही के साथ इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप चाहें तो चाय के साथ भी इसे खा सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। और जो मेरे फ्रेंड्स ओट्स खाना पसंद नहीं करते हैं, या जो बच्चे ओट्स खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस तरह से बना के दे सकते हैं। मेरा ख्याल है बच्चों को भी जरूर पसंद आएगा। तो ये देखिए, सेम प्रोसेस से मैंने सारे पराठे बना लिए हैं। अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू रेसिपी डालूं आप सबको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।